मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कश्मीरी लड़कों के साथ मारपीट और जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जबरन लगवाने का मामला सामने आया है। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है और भारत का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, मगर कश्मीरी लड़कों के साथ इसी भारत देश में ही मारपीट की जा रही है। जय श्री राम के नारे जबरन लगवाए जा रहे हैं, जो बेहद ही शर्मनाक है। झारखंड के रांची में दीपावली से लेकर अब तक कई बार कश्मीरी लड़कों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इस बार भी चार कश्मीरी लड़कों को, जो सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े कंबल बेचते हैं, उन्हें निशाना बनाया गया। अराजक तत्वों ने मारपीट की इनके साथ और जबरन जय श्री राम के नारे लगाने को कहा, जिसकी वजह से झारखंड के रांची में कश्मीरी लड़कों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। वहीं इस घटना की जब जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने आनन-फानन में 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। रांची पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कश्मीरी लड़कों ने शनिवार को शिकायत दर्ज करवाई है और फिलहाल 3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कश्मीरी लड़कों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमारा जीना ये लोग हराम कर दिया। यहाँ एक साइड से बोल रहे कश्मीर हमारा ताज है, कहाँ गया वो ताज? क्या हम लोग कश्मीर के नहीं है, हिंदुस्तान के नहीं है? सर्टिफिकेट हमारे माथे में ठोस दो, बोलो आप लोग हिंदुस्तानी नहीं है? सर ये लोग हमेशा हमको बार बार यही पकड़ते, बोले जय श्री राम बोलो, अगर हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है ये हमको सर्टिफिकेट माथे में लगा दो, हम कहीं दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। एक साइड से बोल रहे हैं आप, हिंदुस्तान गवर्नमेंट बोल रहा है कश्मीर हमारा ताज है। जब ताज कोई तुम लोग काट दोगे तो फिर पैर का रहना क्या जरूरत है? क्या हिंदुस्तानी हम लोग नहीं है? हम इस देश के लिए खून अपना नहीं दे रहे हैं? आज फिर वही बात हुआ, जय श्री राम पढ़ो। 4 आदमी को बहुत बेरहमी से कश्मीरी होना हमारे लिए पाप है क्या? हम लोग इनको इतना रेस्पेक्ट कर रहे हैं सब टूरिस्ट को, लेकिन इसका मतलब नहीं है हम इतना प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं कि हम ही पे हम ही को हर जगह मारे पीटे, लेकिन यहाँ कोई इनको हम आदमी भी दिखला रहे हैं, यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, लेकिन कोई इनको अरेस्ट नहीं कर पा रहा है। पता नहीं इन लोगों का क्या कमजोरी है, क्या नहीं, गॉड नोज बेटर। आपको क्या बताया जा रहा है, क्या भारतीय नहीं है या क्या? अरे बार बार बोल रहे हैं कि आप जय श्री राम बोलिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए, आप लोग आतंकवादी हैं, आप लोग निकल जाए, ये इनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर हम इंडिपेंडेंट है और आप बोल रहे हैं कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो कौन चीज से आप बोल रहे हैं कि आप लोग हिंदुस्तानी है? आज मैं भी फील कर रहा हूँ, सबके सामने बोल नहीं है, आप लोग आज साफ करके खुद दे रहे हैं कि आप नहीं है हिंदुस्तानी, आप लोग बता रहे हैं, हम लोग ये नहीं बता रहे, आज लोग आप लोग सबूत करके दे दिए। ये देखिए हमारा, ये देखिए गाड़ी, देखिए सब लोग, ये हमने, लेकिन आप लोग मजबूर हम लोगों को कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं, वी आर इंडियन, तो कानून सबके लिए बराबर है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट कलर क्रीड एंड सेक्स। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रियाज अहमद वानी। कश्मीर में कहाँ से हैं? हम पहलगाम से। जी सर, हम सुबह अपने डेरे से निकले काम पे, हम जब यहाँ पहुँचे तो ये बंदे लोग आए तो सीधे हमारे को गालियाँ देने लगे। हमने इनको सीधा बोला क्या कर रहे हैं, इन्होंने बोला गाड़ी साइड में रखो और हमको गालियाँ दी, फिर मारपीट शुरू किया। ये दिवाली के बाद 5वीं बार हुआ, दिवाली के बाद हमारे साथ ये 5वीं बार हुआ है मैडम। ये यहीं के लोग थे, यही लोग ये जो पकड़ के लाए। दिवाली के बाद हमारे साथ ये 5 बार हो रहा है। ये लोग हमें धमकी दे रहे हैं, हम पिस्टल दिखाते हैं, माल छीनते हैं, सब कुछ, माँ बाप की गालियां देते हैं। हम लोग कश्मीर से आए, पहलगाम से आते हैं, हर साल आते हैं यहाँ, मगर इस साल हमने पहली बार देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा हमने। हम तो वो 400-500 लोग आते हैं कश्मीर से यहाँ। हम तो यहाँ अक्टूबर में आते हैं और मार्च तक रहते हैं सर। हम शाल, सूट, रजाई, कम सब कुछ बेचते हैं, गर्म कपड़े बेचते हैं सर।